राकेश को एक नई सिम की जरूरत थी। मैडम, यहाँ मोबाइल के सिम मिलेंगे? जी हाँ सर, बिल्कुल मिलेंगे। कौन कौन सी कंपनी की सिम मिल जाएगी? वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो की सिम मिल जाएगी सर। ठीक है, फिर मुझे एक एयरटेल का सिम दे दीजिए। आपको पोस्टपेड लेना है या प्रीपेड? पोस्टपेड नहीं, मैं प्रीपेड ही लूंगा। ठीक है सर, आपको 300 रुपये में प्रीपेड सिम मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं पेमेंट कर देता हूँ। सर, सिम एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड चाहिए होगा, आप क्या साथ में कैरी कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कैरी कर रहा हूँ। सर, आपका आधार नंबर बताइए, मैं सिस्टम में एंट्री कर देती हूँ। 8269-1734-5902। एक मिनट सर, मैं सिस्टम में एंट्री कर देती हूँ। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। सर, आपका डेटा एंट्री हो चुका है, अभी वेरिफिकेशन के लिए आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। जी जी, ये लीजिए फिंगरप्रिंट। तभी शॉपकीपर के दिमाग में एक गलत आइडिया आया। पिछले 6 महीने से दुकान में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कस्टमर भी काफी भोला लग रहा था, तो क्यों ना इस कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाए। इस कस्टमर को बताएंगे कि ऑथेंटिकेशन फेल हो गया और फिर दोबारा फिंगरप्रिंट लेंगे और दूसरा सिम एक्टिवेट करवा लेंगे। इसके बाद जब कोई ब्लैक में सिम खरीदने आएगा तो उसी सिम को हाई रेट में बेचेंगे। ओहो, सॉरी सर, आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, आपको दोबारा फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। ओहो, फिर से? चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए फिंगरप्रिंट, लेकिन इस बार गलती मत करना। सर, आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, ये लीजिए आपका सिम। सर, बस 2 घंटे में आपका सिम एक्टिवेटेड हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर 2 डेज सिम लेने आया एक क्रिमिनल। मैडम, मुझे एक सिम चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई भी आईडी नहीं है, क्या आप बिना आईडी के सिम देंगे मुझे? काम तो हो जाएगा, लेकिन 5000 रुपये लगेंगे। कोई बात नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ। उसका काम ही था लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करना। एक दिन मौका ही वारदात पे उसने किसी का कत्ल भी कर डाला और वहां से फरार हो गया। पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करने लगी और उसका मोबाइल नंबर ढूंढने निकाला। नंबर की जांच होने पर पता लगा ये नंबर तो राकेश के नाम पे रजिस्टर्ड है। पुलिस ने राकेश के नाम अरेस्ट वारंट निकाला और उसको जेल में डाल दी। मैं अनजान था, नादान था, इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आइए जान लेते हैं कि आप अपना बचाव कैसे करें। uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं और आधार सर्विसेज वाला ऑप्शन क्लिक करें। इसके नीचे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे जाएं। उसको क्लिक करते ही एक ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पहले आपके 12 अंकों की आधार नंबर डालें।
फिर सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए। सेंड ओटीपी बटन दबाते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक एसएमएस जाएगा जिसमें ओटीपी होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ऑल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट डेट रेंज में आपको कब से कब तक का हिस्ट्री चेक करना है वो सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप 50 ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं तो नीचे 50 लिख दीजिए। नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी डाल दीजिए। और फिर वेरीफाई ओटीपी वाला बटन दबा दीजिए। इसको दबाते ही आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स नीचे आ जाएंगे। इसको देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस वक्त, किस जगह और किस वजह से आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है। अगर आपको डाउट हो कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी अज्ञानता को आपकी असफलता का बहाना मत बनाइए। जानकार बनिए, ये कलयुग है, यहाँ हमेशा सच्चाई की जीत नहीं होती।